तो सर अर्ली मॉर्निंग है, हम क्या करें, ये चूज़ों को थोड़ा सा आज बाहर ला लिए, देखिए धूप में मस्त आराम से खा रहे फिर रहे, इनके धुआं देखिए किस तरह से उठे हुए है ऊपर, मस्त मज़ा आता है इस तरह से देखते हैं तो एक देखिए कहाँ पर चढ़ी है जाली के ऊपर, वाइट वाला चूज़ा मुझे बहुत अच्छा दिखता है यार इसमें, यहाँ पर देखिए खा रहा है वो टपके बाजू में, तो ब्लैक कलर का भी सब एकदम परफेक्ट है, मुझे लगता है इसमें ज़्यादातर तो मुर्गे ही निकलने वाले हैं, कल के वीडियो में बताऊंगा आपको एक एक को पकड़कर कौन सा मुर्गा निकलने वाला है कौन सा मुर्गी निकलने वाली है, एक लगभग 37 डेज़ के हो गए हैं ये लगभग, गिनिंग है कितने दिन के हो गए ये कहकर उतने ही रहेंगे मे भी मेरे ख्याल से 36 या 37 डे के, मस्त है एकदम परफेक्ट है ये ब्लैक कलर का देखिए, तो इस तरह से आराम से हम बाहर ला लिए, और आज अपने पास और भी चूज़े आए हैं दोस्त इंक्यूबेटर में, चलिए देखते हैं फिर वहाँ पर चल कर, एक बार फिलहाल अभी इंक्यूबेटर उठाने वाला हूँ, देखिए कितने एकदम चूज़े निकले यहाँ पर, दिखेंगे आपको यहाँ पर देखिए कितने एकदम निकले, गिन के डालेंगे इनके छिटले साथ का साथ निकालते हैं हम यहाँ पर डालते हैं ताकि अंडे दूसरे निकलने वाले चूज़ों के अंडे जो रहते हैं इसमें फंस गए तो नहीं निकलते, तो इतने सारे चूज़े जल्दी से हम उठा लेंगे इन्हें, उठाकर इनके घर में यानी ब्रूडर में शिफ्ट करेंगे, चलिए पूरा देखिए बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाली है यहाँ से, देखिए मेरे भाई मेरी बात हमेशा याद रखिए, आपको चूज़ों को 6 महीने तक बड़ा करना आना है मेरे भाई, अगर से आप 6 महीने तक मुर्गी के चूज़ों को बड़ा नहीं कर पा रहे हो 4थे दिन पे 5वें दिन पे या 1 महीना हुए के बाद या 8-15 दिन के बाद चूज़ों की मोर्टैलिटी हो रही है तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, याद रखिए हर एक चूज़े की जान अपने लिए बहुत ही वैल्यूबल है इम्पॉर्टेंट है, तभी जाकर हम ये बिज़नेस में सक्सेस हो पाएंगे, कुछ नहीं मेरे भाई बिज़नेस में सक्सेस होना है तो मेन बात आपको जब चूज़ा अंडे में से निकलता है वहाँ से लेके वो चूज़े को 6 महीने तक आपको संभाल के रखना है, यानी चूज़े को पालने आना है आपको, भाई हमें नहीं आता है कैसे करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, डेली ये जो अभी निकले हैं चूज़े वो चूज़ों के ऊपर मैं डेली वीडियो बनाऊँगा, आज डे 1 बोल के आएगा, कल डे 2 बोल के आएगा, परसों डे 3 वीडियो कहकर आएगा, डेली आपको वीडियो देखना है और याद रखना है मैं किस तरह से चूज़ों को पाल रहा हूँ, 1वें दिन पे क्या खिलाया हूँ क्या पिलाया हूँ, कितनी डिग्री टेम्परेचर रखा हूँ, मैनेजमेंट किस तरह से रखा हूँ, सेम उसी तरह से आप भी रख लोगे ना, ओरिजिनल देसी चूज़ों को कैसे रहते हैं ये कम वेट के रहते हैं दोस्त, एक तो अंडा कम ग्राम का रहता है, जब चूज़ा निकलता है वो छोटे अंडे में से तो वो छोटा अंडे में का चूज़ा भी छोटा ही रहता है लगभग 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम 25-26 ग्राम की ज़्यादा चूज़े रहते हैं 90% चूज़े, कभी कभी 100 में 10 चूज़े ऐसे निकल जाते हैं कि 30 ग्राम के और कुछ 20 ग्राम के भी रहते हैं, कम वेट के भी रहते हैं, तो इस तरह के चूज़ों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, ये मुश्किल है कहकर ही ये जो ओरिजिनल देसी का रेट भी है दूसरे ब्रीड के मुकाबले अच्छी मार्केट भी मिलेगी अपन को, आसानी से बेच पाएंगे और दूसरा अच्छे दाम पे बेच पाएंगे, इसीलिए ये चूज़ों को हमें बड़ा करने आना है। देखिए मेरे भाई आपको मेन ना मुर्गी पालन स्टार्ट करने से पहले कितने मुर्गियां रखी तो एक अंडा निकलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको, मान लो 2 मुर्गियां हैं आपके पास, 2 मुर्गियां लाए हो आप, डेली एक अंडा निकल रहा है, एक मुर्गी लगातार आज से लेके 15 दिन तक एक डेली एक एक अंडा दे लेते आ रही है, वो बंद होने के बाद दूसरी मुर्गी देती है, फिर वो बंद होने के बाद और दूसरी मुर्गी आ रही है, तो ये 2 मुर्गियों में एक अंडा निकल रहा है आपको डेली, तो कितना होगा 100 मुर्गियां रखोगे आपको कितने अंडे आएंगे 50 अंडे आएंगे, ठीक है भाई, ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल पालना समझ रहे हो आप, मुर्गी पालन करना समझ रहे हो, तो मान लो 3 मुर्गियां रख रहे हो आप, डेली एक अंडा निकल रहा है तो 90 मुर्गियों में 30 अंडा निकलेगा ये हिसाब से, तो आपको किधर जाकर फुल टाइम मुर्गी पालन करने से पहले पार्ट टाइम मुर्गी पालन करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई, इसमें आपको कितने मुर्गियों रखी तो एक अंडा निकलेगा ये पता चलेगा, चलिए अभी तो सारे बर्ड्स को खोल दिया मस्त है, और जो 25 चूजी सब संभाल रही है वाइट वाली मुर्गी को भी देख लेते हैं एक बार, देख रहे हो ना दोस्त कितनी मस्त मुर्गी है और उसके साथ साथ मस्त चूजे भी है, खाने के तौर पे स्टार्टर फीड जवारी मिले बाद दाना दे दिए और पानी पीने का फ्रेश पानी दे दिए बर्तन में, तो सब एकदम मस्त खा रहे थोड़ी देर बाद,
हम क्या करेंगे, इसको बाहर भी छोड़ेंगे, थोड़ी देर घूमेगी, आए घुमा कर बच्चों को लाएगी, कीड़ा मकोड़ा जो भी है वो मिल जाएगा उनको, बच्चों को, तो फिर अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, लगभग 45 के करीब चूज़े निकले। ये चूज़ों को कल से ब्रूडिंग स्टार्ट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं कल से। और जो भी भाई को इंक्यूबेटर चाहिए ना, स्क्रीन पे नंबर दिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए आपको चाहिए तो। और दोस्तों कल का वीडियो आप देखे हो तो मैं कल का वीडियो में बताया था आपको, अपना जो पुराना फार्म था वो पुराना फार्म का फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा कहकर कॉमेंट करो बोला था। बहुत सारे भाई कमेंट करें तो इसीलिए वीडियो बन रहा है, मे बी कल परसों तक बन जाएगा, ताकि सारी टॉपिक जो है मेरे पुराने फाइल्स वगैरह सब कुछ निकाल कर इकट्ठा कर कर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, एक दो दिन कंपलसरी लगेंगे। तो परसों के दिन मे बी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़रूर वो वीडियो डालने की, ठीक है। आज रात पूरा मैं वो फाइल्स चेक करके पूरा एक करना पड़ेगा मुझे, तो कल के दिन वीडियो बनाऊंगा, परसों के दिन आपको देखने में मिल जाएगा। तो कल आपको नए चूज़े भी नज़र आएंगे जो इंक्यूबेटर में निकले हैं, उनकी ब्रूडिंग भी चालू होगी कल से, वो भी मोस्ट रहेगी इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और मुझे याद भी रखिए। मैं आपका दोस्त अजमत, हैव ए वंडरफुल डे।